मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी व लू से राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। सोमवार और मंगलवार को दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी व लू से राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। कोलकाता के साथ साथ हावड़ा में भी कुछ दिनों के लिए गर्मी से राहत मिलेगी। सोमवार और मंगलवार को दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट होने की उम्मीद है। हालांकि बाकी क्षेत्र की तरह गर्मी की परेशानी जारी रहेगी। सोमवार और मंगलवार के बाद दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में पूरे सप्ताह लू चलने का अनुमान है। साथ ही उत्तर बंगाल के तीन जिलों में बुधवार से हीट वेव रहेगा। शुक्रवार तक मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से उन तीन जिलों में असहज मौसम बनेगा। दक्षिण बंगाल के मामले में मौसम कार्यालय ने कहा, मंगलवार से जिले में तापमान थोड़ा गिर सकता है। दो दिनों तक सभी जगह तापमान में 1.5 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि इससे लू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोलकाता हावड़ा को छोड़कर शुक्रवार तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। सोमवार और मंगलवार को पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम में हल्की बारिश हो सकती है। इस पर गर्मी का असर नहीं होगा। मौसम कार्यालय के अनुसार इस साल अप्रैल में लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की स्थिति पिछले 50 वर्षों में दुर्लभ है। कोलकाता पहले भी इस तरह की गर्मी झेल चुका है। कई बार तापमान 41 डिग्री से भी अधिक हो गया, लेकिन ये भीषण गर्मी इतने लंबे समय तक टिकती नजर नहीं आई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी का ये दौर लंबा चलेगा। फिलहाल कहीं भी राहत भरी बारिश की संभावना नहीं है। रविवार को कोलकाता का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में अधिकतम तापमान 40 से ऊपर बना हुआ है। रविवार को बांकुड़ा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনাদের শহর রানীগঞ্জে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে উচ্চ শ্রেণীর সুবিধা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামে পরিপূর্ণ রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, যেখানে অভিজ্ঞ ডক্টর ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও স্টাফেদের টিম রোগীদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবদ্ধ। রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, প্যাথোলজি, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, USG, জেনারেল সার্জারি, মাইক্রো সার্জারি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি, গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল, অনকোলজি, পুলমোনোলজি সহ 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা, 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন সুবিধা। এবং রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেও চিকিৎসা পরিষেবা। রয়্যাল কেয়ার হসপিটাল, NH2 পঞ্জাবি মোড়, রানীগঞ্জ। টোল ফ্রি নম্বর 1800 121 3557, মোবাইল নম্বর 7479002900, 7479002901, 7479002902।